हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि उत्तर प्रदेश सिपाही का बिल्कुल हमारे एजुकेशन मंत्रा पे निःशुल्क बैच की शुरुआत की जाएगी, उसी क्रम में आज हमारा एक और वीडियो आप सब लोगों के लिए हाजिर है। देखिए, आप लोग इसको देखिएगा और अपना बिल्कुल जो है जो चीजें नोट करने वाली हो उसको आप कहीं ना कहीं रफ पे या फिर किसी फेयर कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आगामी पेपर, ठीक है, सिपाही में आप सब लोगों के लिए बिल्कुल यह वीडियो रामबाण साबित हो। चलिए, हम आज अपना एक नया चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज लेकर आए हैं। ठीक, जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको जो है अपोजिट लेटर जो है बिल्कुल दिया था कि भैया ए का जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू, और उम्मीद करते हैं कि इस लेटर को सब लोगों ने याद भी कर लिया होगा। अगर जिन दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा था तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और इसके पहले वाला दोनों वीडियो देख लें। ठीक, चलिए चलते हैं। आज हम सीधे चलेंगे कि इनसे रिलेटेड कैसे सवाल बनता है पेपर में, इससे, इस अल्फाबेटिकल सीरीज से किस प्रकार सवाल आपके पेपर में बनता है उसी पर हम चलते हैं। तो देखिएगा, यह है अंग्रेजी वर्णमाला। तो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, जो प्रश्न बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं दाएं कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां बाएं से ले रहे हैं, बाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? और आपके पेपर में चार ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिएगा, हमने आपको इसके पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि हमेशा शुरुआत जैसे ए से करेंगे और ए के बाद जेड पे हम खत्म करेंगे, क्योंकि जो जेड है ये आपका 26वां लेटर है और ये क्या है, पहला लेटर है। लेकिन यहां पर लेटर की बात नहीं है, यहां पर बाएं की बात है और बाएं की बात है। तो देखिएगा, बिल्कुल जब ए से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये मेरा क्या है, ये बायां है या बाएं है। ठीक, तो इधर बायां है, यानी अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल क्या है, मेरा लेफ्ट है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। और जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी ये क्या है, मेरा दायां है। ठीक, चलिए तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के पांचवां, बाएं से देखिएगा, बिल्कुल इसको देखिएगा, बाएं अक्षर से सातवें अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर कौन सा है? ठीक, तो देखिएगा, बिल्कुल हमको शुरुआत कहां से करना है, बाएं से शुरू करना है। तो हम देखेंगे कि बाएं से सातवां अक्षर यानी एक दो तीन चार पांच छ सात, देखिएगा जी का रैंक कितना होता है, सात होता है, हम बता भी चुके हैं, तो सातवां हो गया। ठीक, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, तो बाएं से मैंने शुरुआत किया और ये कौन सा लेटर हो गया, सातवां लेटर। ठीक है, सातवां लेटर मतलब लेटर के बाएं पांचवां लेटर। अब देखिएगा, यही से पूछ रहा है, यही जो है सातवां पूछ रहा है। ठीक है, के बाएं, अब देखिएगा बाएं और दाएं, ये मैंने लेटर बताया कि ये सातवां लेटर है, तो देखिएगा इधर देखिएगा ये बायां है, यानी ये लेफ्ट साइड है, और इधर क्या है, ये राइट साइड है। ठीक है ना, अगर आपसे दायां पूछे तो आप इधर रहिएगा, अगर बायां पूछे तो इधर रहिएगा। अब आप कहेंगे सर कैसे जानेंगे कि कौन सा लेफ्ट और कौन सा राइट है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका लेफ्ट है वही यहां भी देखिएगा लेफ्ट हो रहा है। अब जैसे देखिएगा हम इधर है, हमारा फेस इधर है, तो बिल्कुल हम देख रहे हैं ये मेरा दाहिना है, ये मेरा क्या है, बायां है। तो इसी लेटर के हिसाब से मैंने भी देखिएगा ये लेफ्ट किया है और ये राइट किया है। तो इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के बाएं
यानी सातवें के बाएं, ठीक है, कौन सा अक्षर पूछ रहा है, पांचवा अक्षर पूछ रहा है, तो बिल्कुल देखिएगा यहां से आराम से, एक दो तीन चार पांच, कौन सा पांचवा अक्षर हो गया, बी हो गया, तो उत्तर इसका क्या आ गया, बी आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न को हमें बेसिक तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल सेकंड में चुटकियों में इसका उत्तर आना चाहिए। कैसे आएगा, बस हमारे वीडियो को आप देखिए, ठीक, देखिएगा यहां पर बात किया गया है लेफ्ट की, लेफ्ट की यानी बाएं की, ठीक है ना, किसकी बात की गई है, बाएं की बात की गई है, और बाएं से इसने क्या कहा रखा है, सातवां लेटर कहा रखा है, और फिर बाएं की बात की गई है, तो बाएं से इन्होंने कौन सा लेटर कहा रखा है, पांचवा लेटर कहा रखा है, ठीक। अब देखिएगा सबसे शानदार तरीका क्या होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आए, आएगा तो क्वेश्चन से और है, आना ही आना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे देखिएगा बायां और बायां है, ठीक है ना, तो इसी प्रकार देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। दिमाग में क्या बैठाना है, जब कभी बाएं से बाएं कहे, यानी लेफ्ट से लेफ्ट कहे, यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट, देखिए यल्फा लेफ्ट हिंदी में आप बाएं बाएं लिख लीजिएगा, जब भी बाएं से बाएं की बात करें, ठीक है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जब भी देखिएगा सेम है, ये भी लेफ्ट है ये भी सेम है, ठीक है ना, तो जब भी आपको सेम लेटर मिल जाए तो आपको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना, जब भी सेम लेटर मिले तो क्या करना है, घटाना है, जैसे लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस, अगर यही कहीं आपका राइट प्लस राइट होता तो क्या कर देना है, आपको घटा देना है, बस ये दो चीजें भी नोट करिएगा, ठीक, यानी जब कभी भी आपसे लेफ्ट से लेफ्ट की बात करें तो हमको क्या करना है, घटा देना है, जब कभी राइट से राइट की बात करना है क्या है, घटा देना है, मिला जुला के अगर सेम की बात करें, अगर सेम लेटर की बात करें तो बिल्कुल ये फार्मूला नहीं, एक तरीका है, ठीक। तो जैसे देखिएगा बिल्कुल सेकंड में चुटकियों में कैसे हो रहा है, ये बाएं से सातवां है, ये बाएं से पांचवां है, दोनों को घटा दिया, कितना गया, सात में से पांच गया दो, और दो का मतलब बी सीधा उत्तर मान लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। देखिएगा लेफ्ट से सातवां, लेफ्ट से पांचवां, मैंने कहा कि सेम है, घटाओ, सात से पांच गया दो, बी उत्तर। अगर आपने अल्फाबेटिकल नंबर को बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया है, अगर नहीं बैठाया है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कैसे आपको बताया है लेटर्स को याद करना, ठीक। चलिए सात पांच दो उत्तर बी, और बेसिक तरीके से भी मैंने बताया था कि सातवें के बाएं पांचवा तब भी आया था, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको हम थोड़ा इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, और इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा अगला प्रश्न। अब सीधे हम प्रश्न की बात करते हैं, हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट के, देखिएगा लिख नहीं रहे प्रश्न, बिल्कुल आज समझिएगा, चलिए ठीक है, देखिएगा अंग्रेजी, चलिए एक प्रश्न और लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवें लेटर, बाएं से बारहवें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा, उत्तर सबका आ चुका होगा, उत्तर सबका आ चुका होगा। देखिएगा मैंने आपसे बताया लेफ्ट कितना है, लेफ्ट बराबर 12, लेफ्ट बराबर छठवां, मैंने कहा लेफ्ट लेफ्ट माइनस 6, और 6 किसका रैंक होता है, एफ का, तो उत्तर क्या आ गया, एफ का। चलिए अगली तरफ चलते हैं, एक और प्रश्न हमको देते आपको देते हैं, बिल्कुल उसका उत्तर देख के बताइए, हमारे कमेंट सेशन में जाके टाइप करके उसका उत्तर बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें अक्षर, ठीक है ना, किस अक्षर के,
13वें अक्षर में, किस साइड से? लेफ्ट साइड से। चलिए यहां लिख दे रहे हैं, लेफ्ट बराबर 13, ठीक है, लेफ्ट बराबर 7, उत्तर कितना हो गया? 13 में से 7 गया, 5, 6, फिर भी इसका उत्तर कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए अगला बताइएगा, लेफ्ट के 15वें के लेफ्ट 5वां, उत्तर कितना हो गया? 10, 10 किसका रैंक होता है? जे का। बिल्कुल आ रहा है उत्तर फटाफट, आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलिए एक और हमको बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट के 16वें, लेफ्ट के 16वें के लेफ्ट 9वां, कितना उत्तर हो गया? 9, 7, 16, ठीक है, तो कितना हो गया? जी, जी उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा ये प्रश्न, देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो लेफ्ट की बात किया गया है, हम आपसे बता चुके हैं कि अगर सेम हो, यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट की अगर बात कही हो तो घटा दो, राइट प्लस राइट की बात कही हो तो घटा दो। तो हमको करना क्या था, देखिएगा लेफ्ट से 16वां था, लेफ्ट से 16वां था और लेफ्ट से क्या है 9वां, मैंने घटा दिया 7 आ गया। अब आपको पता है रैंक? बिल्कुल नहीं पता है तो पहले हमारे क्लास में जाएं, जी, जी का रैंक कितना होता? 7 होता, उत्तर आपका क्या होगा? जी होगा। ठीक, चलिए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं, अब हम थोड़ा पैटर्न बदल रहे हैं सवाल का। एक चीज बस इतना आपको बिल्कुल पता हो गया होगा कि अगर सेम की बात की गई हो तो हमको क्या करना है? घटाना है। जैसे कि मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां लेटर क्या होगा? इसका उत्तर हमारे कमेंट सेशन में जाके आप बता दीजिए। चलिए एक और प्रश्न नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो इन तीनों प्रश्न में क्या करना है? सिर्फ घटाना है, बायां बायां कह तुरंत माइनस, बायां कहा माइनस, बायां बायां कहीं भी कहे हमको क्या करना है? माइनस करना है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इस प्रश्न में देखिएगा कि बायां तो बात की गई है और बाएं के साथ इन्होंने क्या कर दिया है? दाएं की बात कर दिया है, ठीक है ना, बाएं की बात इन्होंने किया, बाएं के साथ इन्होंने दाएं की बात कर दिया। अब देखिएगा पैटर्न बदल गया, लगाने का तरीका भी बदलेगा। कैसे बदलेगा? यहां एक और चीज नोट कर लीजिएगा, यहां क्या नोट कर लीजिएगा, जब भी लेफ्ट प्लस राइट की बात हो, यानी देखिएगा एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, यानी पहला बायां है दूसरा क्या है? दायां है, तो हमको जोड़ना है। जब भी देखिएगा विपरीत चीजें आ जाए, जैसे मैंने कहा था कि जब सेम का सेंस हो, किसका मतलब हो, तो घटेगा, और अगर विपरीत हो यानी अपोजिट हो तो क्या होगा? जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा लेफ्ट प्लस राइट की बात करें तो जोड़ दीजिएगा, और राइट प्लस लेफ्ट की बात करें तब भी जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो यहां इस प्रश्न में क्या होगा, जैसे इन्होंने कहा कि लेफ्ट के 10वें के राइट 4वां अक्षर क्या होगा, तो जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद क्या आया? 14, 14 का लेटर बताइए, यम का 13 होता है, यन का क्या होगा? 14 होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हम प्रश्न आपको दे रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिएगा इसको थोड़ा रफ कर दें, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला में राइट लेफ्ट से, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट 5वां लेटर क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, मैंने आपसे बता रखा है कि जब भी अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब एक लेफ्ट हो दूसरा राइट हो, पहला लेफ्ट हो दूसरा राइट हो, तो करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है। तो इसको जोड़ देंगे, 15, 5, 20, अब 20 का लेटर बताइए कौन सा होगा? टी, आपको बता चुके हैं टी का 20 होता है, 20 का टी होता है, तो इसका उत्तर क्या आ गया? टी आ गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ठीक है, बाएं से यानी लेफ्ट से 17वें के राइट, ठीक है,
कि तीसरा बता दीजिए, उत्तर चलिए कमेंट सेशन में बताइए, कुछ करना है नहीं, फिर 17 दिन 20 हो गया, उत्तर इसका भी टी आ गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट 6वां अक्षर क्या होगा? तो 15 6 21 21 कितना, किसका होता है, एक का टी का 20 होता है, यू का 21 होगा, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 21 हो गया। तो बिल्कुल आ रहा उत्तर ना, नहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हमारे कमेंट सेशन में जाके टाइप कर दीजिएगा, सर ये चीजें नहीं समझ में आया, हम उसका अपने अगले वीडियो में सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत या समस्या हो तो तुरंत आप बताइए, उसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक। बाकी ये चीजें नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट टू लेफ्ट हो तो माइनस होगा, राइट टू राइट होगा तो माइनस होगा, लेफ्ट टू राइट होगा तो प्लस होगा, राइट टू लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है, फिर बताइएगा हमको। लेफ्ट से 7वें के राइट 5वां क्या होगा, 7 5 12, क्योंकि ये लेफ्ट है ये राइट है, 7 5 12 इसका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड में आ रहा ना। जैसे देखिएगा आपके पेपर में ये प्रश्न आया तो आपको करना कुछ नहीं है, तुरंत जैसे कहा लेफ्ट टू राइट ऐड करना है, राइट टू लेफ्ट ऐड करना है, लेफ्ट टू लेफ्ट घटाना है, ठीक, राइट टू राइट घटाना है, ठीक, राइट टू लेफ्ट क्या करना है, जोड़ना है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि हमने हमेशा शुरुआत किससे की थी, लेफ्ट से की थी हमेशा, पहले भी प्रश्न में मैंने लेफ्ट से शुरुआत किया था, दूसरे भी प्रश्न में मैंने लेफ्ट से ही शुरुआत किया था। तो चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन राइट से आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिएगा हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से, ठीक है, 5वें अक्षर के लेफ्ट 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक, तो 6 5 11 6 5 11। अब देखिएगा यहां पर एक सेंस थोड़ा काम करना चाहिए, जो लेटर का कंडीशन प्राप्त होगा वो, जैसे देखिएगा अगर मैंने शुरुआत लेफ्ट से कर रखी है, अगर मैंने शुरुआत लेफ्ट से कर रखी है तो लेफ्ट से उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है, और अगर राइट से शुरुआत कर रखी है तो उत्तर राइट से प्राप्त होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि राइट से 7वें के लेफ्ट, लेफ्ट हमने कह दिया 8वां, ठीक है, तो 8 7 15 हो गया, ठीक, तो ये कहां से प्राप्त हुआ, ये राइट से प्राप्त हुआ, ये कहां से प्राप्त हुआ, राइट से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो आप राइट से जाके देख लीजिएगा, अगर राइट से आपको देखने में कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर कितने होते हैं, 26, एक 11 कर दीजिएगा, 27, और 27 से 11 घटा दीजिएगा, 27 से 11 घटाएंगे तो कितना आ गया, 16, और आपको हमने बता दिया है पी का रैंक कितना होता है, 16 होता है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिकल चैप्टर हमारी तरफ से बिल्कुल खत्म हुआ है, हम कल के क्लास में वो प्रश्न सिर्फ करवाएंगे जो सिपाही के किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है, और जो पूछा गया है वहां से हम सॉल्व करवाएंगे, और इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो थोड़ा टफ हो, ठीक है। तो बिल्कुल लोकल था, क्यों लोकल था, क्योंकि मैंने इसको लोकल बना दिया, जैसे कहा लेफ्ट लेफ्ट भैया माइनस करना, राइट राइट माइनस करना, लेफ्ट टू राइट जोड़ना है, राइट टू लेफ्ट जोड़ना है, ठीक। अब इसी में क्या होता है, कभी कभी 3 दे देता है, जैसे 3 देने का मतलब यह है कि प्रश्न में कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के 5वें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा, ऐसे भी प्रश्न, तो हमारी कल क्लास में आप हमारे साथ जुड़िएगा और ऐसे प्रश्न को बिल्कुल हम सेकेंडो में और चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत